राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों कृषि सुधार कानूनों पर भी चर्चा की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सुधारों को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, लेकिन सरकार इन सुधारों पर जारी भ्रमजाल को हटाने की कोशिश जारी रखेगी। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सफल प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। मेरी सरकार आज न सिर्फ MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। आज कृषि के लिए उपलब्ध सिंचाई के साधनों में भी व्यापक सुधार आ रहा है। पर ड्राप मोर क्राप के मंत्र पर चलते हुए सरकार पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही सिंचाई के आधुनिक तरीके भी किसानों तक पहुँचा रही है। 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है। मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2008-09 में जहाँ देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, वहीं साल 2019-20 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुंच गई है। इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया है।